सिया राम मैं सब जग जानी, कर रहूं प्रणाम जोरी जुग पानी की भावना से आप सबको प्रणाम करता हूं। श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज बन के दैनिक दिव्य सत्संग में किशोरी जी की कृपा से इस क्षण भंगुर शरीर को जो किसी भी क्षण नष्ट हो सकता था, उनकी अहेतु की कृपा से हम अभी भी श्वास युक्त होकर वृंदावन के इस पवित्र पावन भूमि पर विराजित हो उनका ही गुणानुवाद कर रहे हैं। श्रीधाम में प्रवेश पाना ही बहुत बड़ी बात है और किशोरी जी की कृपा से यहां टिक जाना, नंद नंदन के हाथों बिक जाना, ये भी एक पूर्व जन्म के संस्कार और गुरु की कृपा से ही संभव है। वो जरूरी नहीं कि किसी गुरु से आपकी प्रत्यक्षतः अगर दीक्षा नहीं हुई तो किसी न किसी महापुरुष के द्वारा, चाहे दर्शन स्पर्श चिंतन, कहीं न कहीं कोई न कोई कृपा और दीक्षा तो आपकी हुई है जो इस दिव्य प्रांगण में, इस भूमि पर, ब्रज रज में यमुना जी के पुलिन पर, ये यमुना जी का पुलिन है, बरसों पहले यमुना जी यहीं से बहा करती और ये याद उन्होंने इस बार फिर दिलाया, यहाँ तक आश्रम तक आ गई, कहा भैया हमारी जगह है, ध्यान से रहना। तो ये यमुना जी का पावन पुलिन है, आज भी यहाँ मिट्टी नहीं निकलती, रज निकलते हैं। आप कितना भी अंदर जाओ तो रज ही रज है यहाँ पर। श्रीधाम में रजरानी, यमुना महारानी और गिरिराज भगवान, ये तीनों प्रत्यक्षतः युगल सरकार की स्मृति हम आम जनों के हृदय में निरंतर चित्त में बनाए रखते हैं। कल चर्चा हो रही थी कि वृंदावन में निवास कैसे करें और जीवन में सत्संग का लाभ कैसे लें। झूठ इत्यादि भी बोलना पड़े व्यवहारिक रूप से तो सत्संग का लाभ ग्रहण हो जाए, तुकाराम जी महाराज की तरह। पर हम मनुष्यों की एक सबसे खास बात है, जहां हमारे इंद्रियों की क्षुद्र तृप्ति होती है वहां तो हम सैकड़ों कपट कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, छुपा लेते हैं। पर जहां सत्संग मिलना हो, जहां हरि गुरु कृपा मिलनी हो, तो हम कहते हैं देखिए भाई हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, हम सत्यवादी हैं, हमारा टाइम दिया हुआ है इसलिए हम जा नहीं सकते। ओ हो,